आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे से पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, उसमें 1 कप दही। दही को बीच में डालेंगे, पहले आधा दही डालेंगे। और उसके बाद मैंने ली है 1 टेबल स्पून शुगर, और सॉल्ट आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और फिर हम इस दही से इस आटे को गूंद लेंगे। आटा हमें बहुत ही सॉफ्ट लगाना है, और अगर बाद में आटा गूंदने के लिए हमको पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा पानी भी ले लेंगे। मुझे मुश्किल से 1 टेबल स्पून पानी लगा था बस। फिर हम अच्छे से इसको गूंद लेंगे, फिर हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको गूंद लेंगे, फिर हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे। और 1 घंटे बाद हम इसको अच्छे से गूंद कर फिर हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। अब इस पे सूखा आटा लगाकर इसको इस तरीके से बेल लीजिए, फिर इस पे होल कर लीजिए। मैंने तवा जो है गैस पे रख दिया है हल्की आंच करके, वो गर्म हो गया। अब जिस साइड से होल है उस साइड से हम इसको सेक लेंगे, और बस सेकने के बाद हम इस पे लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, चीज़, जो भी आपको वेजीज पसंद है वो, फिर ऊपर से इसमें चीज़ डाल के, ओरिगैनो और रेड चिली फ्लेक्स डाल के इसको हम या तो ओवन में 180 डिग्री पे 7-8 मिनट के लिए बेक कर लेंगे, नहीं तो हम तवे पर इसको ढककर हल्की आंच पे 4-5 मिनट बेक कर लेंगे। और ये गेहूं के आटे का मज़ेदार हेल्दी पिज़्ज़ा तैयार है।